जय हिंद दोस्तों, आज के मेन विषय टॉपिक पर बात करें उससे पहले यह जान लें आपकी स्क्रीन पर चल रही यह वीडियो, यह प्रतियोगिता गांव भगवानसर राजस्थान में हुई 19 अक्टूबर 2020 की 1600 मीटर रेस की प्रतियोगिता है, जिसमें 4 हीट्स हुई थी, जिसमें हर ग्रुप में से टॉप 3 को चुना गया था फाइनल के लिए और अब आपके सामने 12 फाइनलिस्ट इसमें भाग लेने जा रहे हैं। दूसरी जानकारी मैं यह दे दूँ, इस ग्रुप में टॉप 12 लिस्ट फाइनल में 3 जवान एवरग्रीन अकादमी के हैं और यह ट्रैक 200 मीटर का है, तो यह प्रतियोगिता 8 राउंड की होगी। इस प्रतियोगिता का आनंद लीजिए और आज बात करते हैं साथ में हमारे मेन विषय टॉपिक पर। दोस्तों, अगर आज हम गारंटी की बात करेंगे उससे पहले यह कविता जरूर सुन लें। कर बहिया बल अपनी छोड़ बरानी आस, जा आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। इसके अर्थ आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो कमेंट में पक्का लिख देना। इसका सिंपल सा अर्थ तो यही है कि अगर आपको अपनी भुजाओं पर विश्वास नहीं है तो किसी की गारंटी आपके काम नहीं आएगी। बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरा नाम जान ले, मैं हूं गुरुमान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा यह जवान, ये था संदीप बिश्नोई जी, जो सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और इस अकादमी में फिजिकल ट्रेनर के तहत भूमिका निभा रहे हैं। और आज गारंटी की बात मैं लाइव इस रेस के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रतियोगिता को देखकर आपको इस बात को ज़्यादा समझ में आएगी कि गारंटी कौन किस चीज़ की लेता है। एक गारंटी मैं भी लेता हूँ, बताऊँगा किस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ आपसे वो भी बताऊँगा, क्योंकि इस गारंटी के नाम पर कई युवाओं के साथ धोखा हो चुका है, उन्हें फ्रेम में रखा जाता है, उनकी काबिलियत पर उनको खुद को विश्वास नहीं होता और वो इसलिए गारंटी ढूंढते फिरते हैं। हो सकता है आप में से भी कईयों ने ऐसा किया होगा, तो इस बात पर जरा गौर फरमाइएगा। कुछ समय पहले से मेरे पास भी बहुत सारे जवान आते हैं कि सर, हम आपके पास ट्रेनिंग करेंगे तो क्या आप हमारे पास होने की गारंटी लोगे? तो मैंने इस गारंटी को ऐसी जानकारी दी कि उन्होंने गारंटी पर से भरोसा छोड़कर अपनी मेहनत पर भरोसा किया और आज वो सितारे सेना की वर्दी में नजर आते हैं। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि सेना की भर्ती में मुख्य भूमिका 1600 मीटर रेस की होती है, उसका पास होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो उस रेस को पास करने में कौन किसकी गारंटी लेता है आप भी जानते हैं, वो रेस आपको ही पास करनी पड़ती है और सबके सामने पारदर्शी वो रेस होती है। और हम उस रेस के लिए महीनों सालों से मेहनत करते हैं, लेकिन किसी की बातों में आकर गारंटी के नाम पर हम उन पर भरोसा कर बैठते हैं और अपनी मेहनत से भरोसा छोड़ देते हैं। हमारी प्रैक्टिस इसलिए धीमी पड़ जाती है क्योंकि हमको अपनी मेहनत पर से भरोसा कम होकर हमारे कोच गारंटी पर भरोसा होने लगता है कि हमें हमारी बात कर रही हो कि हमें पास कराएगा। दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि रेस सबके सामने होती है, पारदर्शी होती है, वो आपको ही पास करनी होती है, किसी की गारंटी के भरोसे मत अपना समय खराब कीजिएगा। और इस झूठी गारंटी के नाम पर कोच दलाल आपसे कैसे पैसा लूटते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, अगली जल्दी ही बनाऊंगा। यह वीडियो जल्दी बनाना मैंने इसलिए उसी समझा क्योंकि भर्तियां आ रही है और आप किसी के भरोसे अपनी ये भर्ती ये मौका मत जाने दीजिएगा। और दोस्तों, आने वाले समय में मैं अपने ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, मेरी हिस्ट्री के बारे में, मैं कौन हूँ, कैसे निकला और कहां तक गया, किस रास्तों से गया, ये सब के ऊपर वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। और दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि मैंने किस गारंटी लेने की बात की थी। दोस्तों, उससे पहले मेरे आदरणीय गुरुजी श्री प्रवीण भाटिया जी के वर्ड जरूर सुने। उन्होंने एक बात कही थी कि पेपर किसको देना है, ट्रैक पर किसको भागना है। सिंपल सी बात है, आपको तो पढ़ना भी आपको पड़ेगा और प्रैक्टिस भी आपको ही करनी पड़ेगी। और दोस्तों, गारंटी इस चीज़ की है, अगर आप कोचेस के बनाए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरी तरह फॉलो करते हो और अपनी क्षमता का 100% देते हो और सही से डाइट प्लान फॉलो करते हो, फुल डाइट लेते हो, तो गारंटी ये है कि आपका टाइम 5 मिनट के पास आएगा जरूर। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको हीरो बनना है प्रैक्टिस का भी और कंपटीशन का भी, और आपको जिताने वाली एक ही चीज़ होती है, वो होती है आपकी विल पावर। प्रैक्टिस सब करते हैं लेकिन जीतता वो ही है जिसकी विल पावर ज़्यादा है। एवरग्रीन एकेडमी में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है लड़के व लड़कियाँ दोनों को। कोचेस के बारे में आपको बता चुका हूँ और एक कोचेस की पिक्चर आपके सामने है, वो निःशुल्क रूप से तैयारी करवाते हैं आपके लिए हैं, आप सिर्फ कामयाब हो, इसी मिशन पर हम चल रहे हैं। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आपके जो भी सवाल होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उनके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और दोस्तों, आप वादा करें कि आज के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे, किसी की गारंटी पर नहीं।
और सेना के किस किस सेंटर में किस किस खेल की भर्ती होती है, इस सब की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपके सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे और सेना में जाने के बाद भी आप खेल चुन सकते हैं, उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल्स का भी, पर वक्त सिर्फ उसका आता है जो पलट कर ऊपर आता है। आज कुछ नहीं बचा, पर खुश हूं अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में, फर्क तभी आता है। एक एडवाइस दे रहा हूं।